Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi in front of you with O level physics. Today topic of discussion is practical electricity. Practical electricity ka kya matlab hai? Hum electricity use karte hain apne gharon mein. Electricity is basically rate of flow of electrons or charges. Positive ki wajah se bhi hum lete hain conventional current. Humne last lecture mein discuss kiya tha electric current और डिस्कस किया था कन्वेंशनल करंट. आज हम देखेंगे कि जो करंट है हमारे पास, इसको घरों में किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से काम करते हैं. तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. तो देखिएगा आप, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हीटिंग. आज हम देखते हैं कि हीटिंग में यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होती है. घरों में आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है हीटिंग पर्पज़ के लिए, लाइटनिंग पर्पस के लिए और मोटर्स में यूज़ होती है. अब देखते हैं कि हीटिंग पर्पस के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होती है. घरों में इलेक्ट्रिक कैटल यूज़ होती है. क्यों यूज़ होती है? टू बॉयल द वाटर. कुकर्स में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो हीट में कन्वर्ट हो. कुकर्स कन्वर्ट करते हैं और काम करते हैं हमारा. इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. इमर्जन हीटर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. व्हाट आर इमर्जन हीटर्स? डिफरेंट किस्म के हीटर्स जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगे होते हैं जिनको हम रिमोट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं. इंटरनली फिटेड जो हीटर्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, हम उन्हें इमर्जन हीटर्स के नाम से जानते हैं. ये सारे के सारे अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं करंट और करंट को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में. अब इनके अंदर जो करंट कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो उसके लिए खास किस्म का एलिमेंट यूज होता है जिसे हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट. इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर हीटिंग एलिमेंट यूज होता है, कुकर के अंदर हीटिंग एलिमेंट यूज होता है. अब सवाल यह है कि कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज होता है. हीटिंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं, लेकिन जो द बेस्ट हीटिंग एलिमेंट है वो है नाइक्रोम. नाइक्रोम क्यों बेस्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे. यहां एक छोटा सा क्वेश्चन है कि करंट किसी हीटिंग एलिमेंट से गुजरती है तो उसमें हीट क्यों प्रोड्यूस होती है. करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें तो वायर में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं, उसी वायर में उसके अपने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने भी प्रोटॉन होते हैं. वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. क्लियर? अब हम देखते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. देखें आप, ये कौन क्या चीज है? कैटल. इसमें हीटिंग एलिमेंट यूज होगा नाइक्रोम, जो इसमें हीट प्रोड्यूस करेगा, करंट को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में. ये कौन है जी? गुड. और ये रॉड. ये किस लिए यूज होता है? हाँ जी, ये जो एलिमेंट लगा हुआ है ये वाला, ये नाइक्रोम से बना हुआ है. ये हीटिंग एलिमेंट है. ये इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में. द प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट. अगर हम रॉड की एग्जांपल ले लें तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है दैट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्यों? अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ही लो है तो जैसे करंट पास होगी, रेजिस्टेंस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो तो मेल्ट हो जाएगा. उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए. ऑक्सीडेशन क्या होती है? मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, बर्निंग प्रोसेस हो सकता है. नाइक्रोम की ऑक्सीडेशन नहीं होती, एल्यूमिनियम की नहीं होती. एक दफा जब एल्यूमिनियम या नाइक्रोम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ऑक्साइड बनता है, तो फौरी तौर पे मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है. वो लेयर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकती है और उस मेटल को या अलॉय को सेव रखती है. क्लियर? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर करने की पावर होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि थोड़ी सी जो है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ी और वो डिफॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. हीटिंग एलिमेंट मस्ट हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, कि उससे हम वायर बना सकते हो.
क्या बना सकते हो? वायर कॉयल्स बना सकते हो। हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर की जब लेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, किसी कंडक्टर का जब एरिया बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम, ये है लॉज ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या है? लॉज ऑफ रेजिस्टिविटी। कैसे पता चला? ये देखें, ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ कम है, ये दूसरा कंडक्टर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। हम सपोज करते हैं कि इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो कोलिजन का रेट कम होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी पास हो जाएगा। यहाँ पे कोलिजन का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। अगर एक वायर ये है कंडक्टर और दूसरा ये कंडक्टर है, दोनों की लेंथ सपोज, अब दोनों का हमने लेंथ सेम है और हमने दोनों का एरिया चेंज किया, इसमें जब करंट फ्लो करेगी तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, इसमें करंट फ्लो करेगी तो उनमें रेजिस्टेंस कम आएगी। बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं वाटर पाइप्स के साथ। अगर एक वाटर पाइप की लेंथ ज़्यादा है तो पानी गुजरता गुजरता टाइम लगा देगा, ज़्यादा ब्लॉकेज आएगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी। अगर पाइप थोड़ा है, पानी जल्दी जल्दी फ्लो कर जाएगा। अगर पाइप का डायमीटर ज़्यादा है तो पानी आराम से फ्लो करेगा और ज़्यादा फ्लो करेगा, ब्लॉकेज कम आएगी। लेकिन अगर एरिया कम है, डायमीटर कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसको देखें, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे एरिया बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस क्या हो गई है? कम हो गई है। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब हम इनको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्स्टेंट यहाँ पर हम लगाएंगे लेंथ ओवर एरिया। यहाँ जो कॉन्स्टेंट है वो रो है। क्या है? रो। इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रो को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो रेजिस्टेंस एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे लेंथ आ जाएगी। तो रो को डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस। रेजिस्टेंस कितनी? क्यूबिक मीटर की। ये रेजिस्टिविटी के बारे में आ गया। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि ऐसा हीटिंग एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से उसकी रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना आए। हाँ, हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस पे। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। लेकिन हमें हीटिंग एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। इसका क्या मतलब है? नहीं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है? कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरिएशंस ना आए। कौन कौन से हीटिंग एलिमेंट हैं? नाइक्रोम, कैंथोल, क्यूप्रो, निकल, प्लैटिनम। ये कॉस्टली हैं तो हम किसको प्रेफर करते हैं? नाइक्रोम को। तो नाइक्रोम की हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंडिविजुअली। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम से बनता है। निकल 80%, क्रोमियम 20%। नाइक्रोम इज बेस्ट सुटेबल आइडियल मटीरियल फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। क्यों? नंबर वन, इसका क्या है जी? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। नंबर टू, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है तो फिर बाद में लेयर बन जाती है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। नेक्स्ट, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं जो एक बेस्ट हीटिंग एलिमेंट की होनी चाहिए, जो हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि घरों के अंदर ये यूज़ होती है। ये क्या है जी? कैटल। कैटल में हीटिंग एलिमेंट इसकी बेस में होता है और ट्यूब की फॉर्म में होता है। जब इसको करंट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है हीट में, हीट एनर्जी के अंदर। और वो हीट एनर्जी किसको मिलती है? वाटर को, या लिक्विड कोई भी है, वो उसमें कैसे करता है? कन्वेक्शन और कंडक्शन के जरिए पूरी की पूरी बॉडी में, पूरी पूरे मटीरियल में ट्रांसफ़र होती है। हम इसको देखेंगे। ये देख ले,
हीटिंग एलिमेंट कहां पे है? यहां पे। करंट इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट हुई? हीट के अंदर। हीट के बाद कहां हुई? कंडक्शन हुई। फिर कहां गई? लिक्विड के अंदर। लिक्विड बॉयल हुआ, लिक्विड में हीट ट्रांसफर हुई किसके जरिए? कन्वेक्शन के जरिए। तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इनसाइड द इलेक्ट्रिक कैटल टेक्स प्लेस। इसके बाद हमारा हीटिंग एलिमेंट, हम इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को डिस्क्राइब करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट उसकी बेस पे होता है, बेस उसकी मेटालिक होती है। इस हीटिंग एलिमेंट की हीट को कंट्रोल करने के लिए यहां थर्मोस्टेट लगा होता है। यहां आपने पढ़ा हुआ है बायोमेटालिक स्ट्रिप वगैरह का फंक्शन, ये वहां पे ही होता है। एनी क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इसमें हीट जनरेट होती है, वो बेस मेटालिक है, वहां तक हीट पहुंचती है और आप उसको यूज करते हैं। हीटिंग एलिमेंट एंड जूल्स लॉ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन वॉज यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन हाउसेज एज अ हीट एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।